लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अथर काजमी और आप देख रहे हैं लिमरा न्यूज। जैसा कि कल आपने देखा इस गेम में, यहां पर नदवतुल उलमा में जो तमाम यहां के तलबा अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाते हुए इस आज फुटबॉल का फाइनल मैच जो आज कंप्लीट हुआ है, आप इस ट्रॉफी को देखें और इससे पूरे माहौल को देखें। तो मैंने जैसे कल आपको बताया था कि इन तमाम लोगों के चेहरों की तरफ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से हिंदुस्तान की तबलीग और हिंदुस्तान के जो आईन के मुताबिक यहाँ पे जो स्पोर्ट है वो कैसे पहुँचाया जा रहा है। हम अक्सर बात करते हैं मदारिस के बारे में और बहुत सारी रिपोर्ट आप मीडिया के ज़रिए सुना करते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में इस मदरसे की जितनी अहमियत है, यहाँ के इल्म फन के साथ जो दीनी तालीमात के साथ साथ तबलीग का काम और यहाँ से जो जाने वाली चीज़ें वो आम है, लेकिन आज स्पोर्ट्स के इस इवेंट पर हम उन तमाम असातिज़ा का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका और इन तमाम जो तलबा हैं उनके लिए शायद ये फ़ख्र का मौका है कि यहाँ पर जो टूर्नामेंट हुआ उस पर अलग अलग इनामात हैं और इस इनामात की तकसीम का जो यहाँ पर अभी दिया जाएगा। हम बात करेंगे उन तमाम खिलाड़ियों से भी कि जो इस मदरसे में पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन उनका स्पोर्ट में जो आज अहम किरदार था उस पर भी बात करेंगे। साहब से दरख्वास्त करेंगे कि मौलाना फखरुल हसन साहब को मौलाना चीफ गेस्ट अवार्ड पेश करें। सबसे बेहतरीन अवार्ड गोल कीपर अवार्ड जा रहा है मोहम्मद। बेस्ट स्ट्राइकर अवार्ड देंगे मोहम्मद फखरुल हसन साहब।
अपकमिंग टूर्नामेंट में प्लेयर का अवार्ड जा रहा है मोहम्मद हमजा के, और इस मैच के सबसे बेहतरीन जो मैन ऑफ टूर्नामेंट कौन है, इस बार साहब के साहबजादे फतमिल्ला मैन ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड जा रहा है। अब एक जल्दी